इसी वजह में हमने यहाँ पर आए थे दुकान से काम करने के लिए आए थे ये मिलती है मुझे ऐसे दे जो मैं कहीं जिम्मा कर सकते हैं वो जिस अन्य और जिसने इस तरह चले थे बटे के मामले से और बाद में आपको ये जिम्मेदारी में तो दूसरों के काम कर रहा था किसी से काम कर रहा था तो अचानक से ये बात हुई है कि एक ही वजह है जिसको उनके बाद हम उसे वो जो करते हैं बच्चे हैं साथ रहते हैं जो उन लोग हैं कि उनकी निकाली भी चल रही है उसका तो बड़ी बहुत से बात कि हिंदू भी बोलता है जो जो बात है तो जितना भी महसूस करता है वो बड़े ही ना होते हैं वो थोड़े के मुंह में जो है सच्ची भी थोड़े के अंदर तो खाना जो भी चाहे ठीक है उतरे जाते हैं ये तो अपन जाएंगे मेरे जन आवाज में मेरे बार भी और इतने जो मैं मेरा बाहर का प्रचंड चला था और आज जो मैं बाहर ये बोल रहे करते हैं और नित्य से बुला रहा है इतने जितने पूरी बात सही होने के लिए हमने बाहर नित्य और एक जवाब था जरिया जरिया को बच्चों को मैं पर कुछ आ दिए गए इतने जो मैं आते हैं बाजार बात को पूरे नहीं कर सकता तो ऐसे में जीवन में मेरे आपके हाथ में मिलते थे तो आप आराम से रहते हैं हम और कुछ क्या हम कुछ हैं और मैं आपको बताऊं कि साथ में आता हूं ये पॉइंट आते हैं तो ज़्यादा मैं 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 पास की कुछ बात कुछ नहीं याद रखता हूँ और मैं कुछ चेहरे की इनके लिए भी मेरे जो मैंने यहाँ पे जो रहा है ना स्टार्ट किया था जो अब मैं यहाँ बहुत बेहतर कर रहा था योगी के जो मैंने देखा है जो पढ़ता है
रही है। नाम ये कह रहे होंगे हम जैसे वाकई रिहायश में बनते हैं ना, काफी तौर पर बनते हैं ना बातें होते हैं, और रियासत की बीमारियों की पेड़ है ये नामों को तरीका किया कि इतना चाहता हूँ ये जो बातें होते हैं ना पाकिस्तान में हमारे जैसे को काफ़ी काफ़ी कभी को प्रोग्राम बनाया गया है पाकिस्तान की कार्यकारी और ये निर्णय जो है तो तो बाकी माने में इसी तरह के ये योग करवाना है सच्ची बाकी जो सच्ची ऑर्गेनाइजेशन हुई है लेकिन ज़्यादा चमारा चमारदारी करी है आज की ऑर्गेनाइजेशन हुई और नैश मॉनिटरिंग हो गए हैं और क्या कुछ सारी कॉन्फिडेंशन हो गई है वो यूनियन हो गई लेकिन बाकी हमारे के अंदर इनको रीजन की सच्ची बाकी को जगह दिया गया है वो तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाया और इसकी जो है कितने के रिसर्च करते हैं इनको करना और साथ साथ जो जमीन का जवाब है ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट की आगे बढ़ गया था आज में ब्रेन के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टमेंट है ब्रेन है और जो हमारी नेशनल पॉलिटी है Thank you.
Chatterjee, we have to, I think you got the message. But when we say including the poor, we mean we are opportunity hunting. The peer problem out there is opportunity. जैसे वो रूम बंदा कच्ची बात कर रहा है, मैं बस घर भी, दूसरा कह रहा है मैं बस भूखा काम भी कर रहा हूँ. So people are excluded in many different ways, and this is what people will talk to you about. So I'll start the family, and each of them, you've got 4.5 minutes. I've got the timer going on here, so the timer will stop you because I don't think I can stop you. Even Pakistan talk, stop. So let's start. Nasir Saab, Nasir Javed. Former head of the urban unit, civil servant, etc., urban person. Let's begin with you, sir. Thank you very much, Mr. Bilal Ahmad Rahim. There are two points that SPSS has been working in the urban sector. पांच पिछले 10-15-20 साल में जो डेटा है पंजाब पंजाब के डेटा के हिसाब से पांच ऐसे इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स हैं या मार्कर्स में कहता हूँ कि विच गिव एन एविडेंस कि हाउ वी एक्सक्लूड द पुअर. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रोबेबली इज हमारी जो एक बाई डिफॉल्ट अर्बनाइजेशन पॉलिसी है. अर्बनाइजेशन पॉलिसी but by default and by action, we have been discouraged by urbanization. We have a model of integrated rural development. हम समझते हैं urbanization को बुरी चीज़ है और लोगों को वहीं पर थोड़ी बहुत facilities दे देंगे so that वो कहीं आकर हमारे शहरों को खराब ना कर दें, congestion हो जाए, pollution हो जाए. Everywhere in the world we know that the opportunities are in the urban area and not in the rural area. So by stopping them from coming to urban area as a matter of policy, हम तकरीबन 60-70% को एक्सक्लूड करते हैं. The second indicator is the urban land. हमने पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों की डिजिटाइजेशन करके टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से जो किया तो जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ लाहौर. लाहौर में जब हम 5 quintiles में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को तो जो richest 20% है दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 58% ऑफ लैंड इन लाहौर. And the poor 20% in this city occupy just 6%. So we have already a land be equitable distribution app within the hall and I'm sure we might share with you more or less PhDs on that. And its reason sirf ye the ki gareeb aadmi ke paas paise nahi hai zyada better land acquire karne ke. Hamare institutional mechanisms or systems aise hain ki hum by default sponsor subsidize or promote karte hain rich aadmi ko aur gareeb aadmi ko jo hai wo ₹2,000 से ₹200 पिछले 15 साल से इट इज द सेम जबकि बिजली की कीमत शायद 20 times हो चुकी है और सैलरीज भी 10 times हो चुकी है. विद द रिजल्ट कि वासा फैसलाबाद को एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टैक्स पेयर मनी से सब्सिडाइज करते हैं इन द ट्यून ऑफ मिलियन ऑफ बिलियन प्लस. इंटरेस्टिंगली वो 40% ऑफ द सिटी जिसको वाटर सप्लाई वासा के थ्रू नहीं मिलती दे एंड अप हैविंग देयर ओन प्राइवेट वाटर अरेंजमेंट्स. ज़्यादा गाड़ी वाले ड्रामा पे जाके बेचते हैं टैंकर्स खरीदते हैं क्योंकि इसमें पानी जो है वो ब्रैकिश है. ऑन टॉप ऑफ दैट दैट वो सिर्फ ड्रिंकिंग किचन का पानी खरीद सकते हैं कपड़े धोने और बाथरूम के लिए वो अपना पंप लगाते हैं मोटर लगाते हैं उनके कपड़े से. इस डेटा से हमने 13-14 का डेटा इंडस्ट्रियल बजट वो आबादी जो कि पेरिफेरी पे हैं मोस्टली वो गरीब इलाके हैं जो वासा से कनेक्टेड नहीं है, they end up paying up to 10 times more than what the rich are paying for water quality of a better water services of a better quality. So बिदर करके गरीब आदमी को हम कहते हैं तुम 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके गंदा पानी पियो और इस्तेमाल करो. अमीर आदमी से हम खूब चार्ज भी रिकवर नहीं करते जो उसकी कॉस्ट हो रही है ज्यादा हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं. Now this is all actual
statistics field data, primary data, productivity basis, we are making this statement. Okay, utility as useful services, it is the poor who are paying much more than the rich people. The same happens in Lahore and in all big cities. जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की सब इट्स अ फ्री सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो छोटे शहरों में जहाँ पे ये सर्विस नहीं है पीपल हैव टू पे फॉर एंड वी नो कि वेयर द रिच लिव एंड वेयर द पुअर लिव. दिस इज द थर्ड इंडिकेटर. द फोर्थ इंडिकेटर इज ऑन ट्रांसपोर्ट. तो मैं टॉपिक पढ़ रहा था कि सोशल मोबिलिटी फॉर द पुअर, तो सोशल मोबिलिटी तो बहुत दूर की बात है. अब तो गरीब आदमी को फिजिकल मोबिलिटी भी देने को तैयार नहीं है. वी हैव three corridors, underpasses, flyovers. Gaon mein 15 underpasses bane hue hain. Not a single one is for the buses. They are all for the cars. With the result, har underpass pe jisse pehle pass pe hum straight guzar jaati thi, ab us pass ko jo hai wo lamba chakkar lagta hai. And final point is the subsidy on the metro is to the wrong batch of the air. Takriban 3 billion per app subsidy hai, 4 billion hai per year Lahore metro ke upar. अब वो इतना बड़ा इशू बना हुआ कि हम सब उसके हम में खुदे जा रहे हैं कि वो उसी की वजह से क्या बैंकअप हो जाएगा. द रियल प्रॉब्लम इज कि सिर्फ ये तकलीफ होती है कि वो सब्सिडी है जिसको अमीर आदमी हाईजैक नहीं करता. दिस इज द ओनली टारगेटेड सब्सिडी. मेट्रो में मैं और आप सफर नहीं करेंगे, मजबूर आदमी ही बस में सफर करता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर स्टैटिस्टिक्स विल प्रूव कि कार ओनर्स को हम 10 टाइम्स मोर सब्सिडाइज करते हैं. एक खातून जो जाकर लिबर्टी मार्केट में गाड़ी खड़ी करती है 6 घंटे के लिए, सिर्फ 20 रुपए किराया देती है. क्या लिबर्टी मार्केट में 100 फुट स्क्वायर की जगह 20 रुपए ही है? क्या उसका रेंट सिर्फ 20 रुपए बनता है? हमारी पार्किंग अस्पताल में फ्री है, मालों में फ्री है, आई डोंट नो क्यों फ्री है. सो दीज आर द 5 इंडिकेटर्स विच आर स्टैटिस्टिकली आई वुड से इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स टू मोबिलिटी ऑफ द पुअर. थैंक यू. अच्छा जी, that is very good. So these things are a lot of barriers to the poor, and we should recognize them. Let's not just say including, let's understand what and how they are included. So for that, now we turn to Mr. Osama Mahmood, who is a lawyer. He's been defending the poor in courts. So let's hear it first. Osama sir, wait 5 minutes. Thank you. So, Since I am a lawyer, so I am mostly talking about the ways and instances in which law tends to exclude, because since the topic is poverty, so disempowerment, exclusion, and discrimination, they all contribute to this poverty. And often the time, law is the instrument through which poverty is perpetuated or reproduced. So I would just list down like 4 or 5 different types. Laws and laws, but again, the implementation of laws that just proves it. So, for example, there are certain laws in Pakistan. So, they could be laws that are kind of officially discriminatory. There are very few of them, but they tend to discriminate against certain types of people, especially poor people. One of the examples is South Florida police have been working on fisheries in South Punjab. So, that is the only form where fishermen who have been going fishing for centuries, they cannot get licenses to fish. So, because that is a profession. So, the state wants the fishermen to not fish. It wants to, they will prohibit our other leaseholders because that is more profitable for the state. So, they are very few of them. But then there are other category, second category of laws that might be neutral on the surface of it. But if you just scratch the surface, you see that their effect, it is disproportionately, it is harmful to the poor people. And there are so many laws. For example, the easiest example could be in US and certain other countries where you see that there is a criminalization of homelessness. Or no one can sleep on the street or in a park. Why would a poor person do that? Closer to home, the examples which Amar and in this documentary Duba, they have been working on for many years, is these anti-encroachment drives against especially extremities. And so you see eventually that the laws, they are essentially, so the law says no one can encroach state land,
But essentially, once it comes to implementation, and also the focus is often a time on the blue people. So that is also time in other categories of law. So where the law is prima facie, is not discriminatory, but it is also not intended to target a particular group of people or class of people. But what ends up happening once it comes to its implementation, it is only implemented in the case of the poor people. And Kachiyawadi case, Gokha's case, or the IC, I was recently working in a Faisalabad, only zoning laws where many of these Gowalas and people who immigrate from villages to cities in search of livelihood. So the state comes once these people, they add value to the land and surrounding, and they are selling milk, providing milk primarily to the urban population. So then the state comes back and says, okay, no one can have these buffaloes in the city, and they try to take them out without providing any other form of opportunities of livelihood. And also, the state has not recognized that it was these people who, on their own, first of all, added value to this land and other. So, and then the fourth category is the types of things that the law and the state decides to recognize. It decides to confer privileges, the way it treats. So it is not discriminatory on the surface of it, but the things that the state alleviates. So if, for example, the example would be, so there are special banking laws, there are special company laws. So why is it that a person, a company can directly jump the queue and go directly before the high court where cases are there decided like expeditiously? Similarly, their rent controllers, the state does not want the people who don't have housing to get long stays for a long period of time. So there are special rent controller boards who kick you out very efficiently and very quickly. And then if you once you cross all of these hurdles, then at the end is the implementation. Right now, you must have seen everyone is suddenly talking about NAP, that look how draconian it is. Oh, it is harming the business interests, so on and so forth. But surprise, that the poor people, the people who have been going to court for such a long period of time, they had been suffering from the regular police or law enforcement agency. They are no different from that. Thank you. That was like a mind. See, the cell phone works very well. Actually, you have examples of how it works. Can you give us some more? We've got two activists here who will be working very regularly with the Kachiyawadi. So let's hear them first. Tuba. जो एक तरह से ये भी माना जाता है कि एक प्लान सिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से जो मेरी समझ में आया कि जो अमीर है शायद वो शेरी है और जो गरीब है वो सब्जेक्ट है स्टेट के, और उसके अंदर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी कि नक्शा नसी का एक ब्लास्फेमी केस हुआ था इस्लामाबाद के अंदर जो कि कच्चीआबाद के रहते हैं. वो कच्ची आबादी तो एक जिसको हम कच्ची आबादी समझते हैं उस तरह की कच्ची आबादी नहीं थी, वहाँ पे रेंट किए थे लोगों ने घर. तो स्टेट ने ये तरीका ढूंढा कि मॉब से बचाने के लिए इनको हम एक और जगह शिफ्ट कर देते हैं, और वो एच नाइन की जगह थी. उस आबादी को अब रबशा नजीक आबादी कहा जाता है. उस आबादी के अंदर इस वक्त ना तो कोई हेल्थ फैसिलिटीज है, उसके पास कोई स्कूल नहीं लगता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां से बिल्कुल नहीं गुजरती, लेकिन लोगों को वहां डंप कर दिया गया, वहां पानी का भी बंदोबस्त नहीं. उसके अलावा एक और जो 2015 का केस आपको यहाँ दिखाया भी गया I-11 का, वहाँ पे वो लोग तकरीबन 40 से 45 साल से रह रहे थे. 1984 की एक सबसे पुरानी वहाँ पे गुर्जर लिस्ट में मौजूद है. वहाँ से लोगों को उठा के बेघर कर दिया, जिसमें कम से कम 15,000 खानदान थे, जिनका ज्यादातर रोजगार था उसके करीब जो सब्जी मंडी लगती है वो था.
वहां से उन्हें उठा के जब निकाला गया तो जगह जगह पे ऐलान करवाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से कि इनको कराए करके मकान ना दिया जाए और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स हाउ द स्टेट वाज ट्रीटिंग दीज पुअर पीपल कि वो आप कराए के भी काम घर नहीं ले जब ले सकते थे और ये कहा गया कि आप गाड़ियों में बैठे और ट्रक से पार चले जाए कि आप कुछ क्योंकि वो एक पशु ना बात थी तो ये कहा गया कि आप सारे खेत में वापस चले जाए उसी टाइम पे सीटीए की जो मेंबर थी शायदा को ले जाया उन्होंने भी ये कहा कि आप गाड़ियां भरे हम ये करते हैं कि आप ये गाड़ियां खाली करें हम आपको बसेस प्रोवाइड करते हैं आप जहां से हैं वहां पे वापस चले जाए ये उन लोगों को बताया जा रहा है जो 40-45 साल से इस शहर में ना सिर्फ रहते थे बल्कि इस शहर का काम भी करते थे और वो लोग थे जिनको तब बसाया गया था जब इस्लामाबाद बिल्ड हो रहा तो इससे एक साफ बात जाहिर होती है कि जो जो शहर बनाते हैं जो शहरों की सफाई करते हैं जो शहर चलाते हैं उनके लिए हमारे शहरों में जगह नहीं है और इसके साथ जब क्रिश्चियन आबादी की बात आई तो उसमें हमारे जो एक केस था जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें हमने रीसेटलमेंट की बात की थी और रिहाइश की बात की थी जिसके अंदर सीधे का ये जवाब आया था कि क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर से हमें क्रिश्चियन आबादियाँ खास तौर पर हटाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो मुसलमान पॉपुलेशन है वो थ्रेटेड फील करती है इस्लामाबाद के अंदर दिस इज एन ऑफिशियल स्टेट की बॉडी का जवाब सो हमें नजर आता है कि अजय गुप्तपुर किस तरह से होती है हमारे शहर में सड़कें ज्यादा चौड़ी हैं और जो गलियां हैं वो तंग से तंग होती जा रही है तो हमें ये एक तरह से नजर आता है कि हमारी स्टेट क्या समझती है कि शहर हम बना किस लिए रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को वहां से उठाया जा रहा है पब्लिक मोबिलिटी खत्म की जा रही है स्ट्रीट्स को बेसिकली अनसेफ बनाया जा रहा है जिन रोडों से खाली गाड़ियां चलेंगी लोगों के लिए तो महसूस है नहीं सो राइट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि फिजिकल मोबिलिटी का ही राइट नहीं है तो सोशल मोबिलिटी तो बहुत दूर की बात है कि आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते खड़े होकर एक गाड़ी नहीं चला सकते जिस शहर में तो फिर आपकी जिंदगी बदलना और क्लास आपकी तब्दील होना तो बिल्कुल नामुमकिन है और हम तो ये काम अपनी सियासी अमल के थ्रू करते हैं अब देखते हैं बाकी सब किस तरह अपना शामिल होते हैं थैंक यू अमार साहब की ये नदर सोशल एक्टिविस्ट का अमार साहब बताइए ये भी हमारे साथ की यही बात आते हैं बताइए अमार साहब मैंने सारे पहले तो काफी करके बात हो चुकी है मैं मुख्तिस लाइन जो हम उस कुरान की बात करें मेरे लिए एक शहरदारी का कुरान है ऑर्गेनाइजेशन का उसके एक दो पहलुओं से बात करना चाहता हूँ कि इसकी बुनियादी क्या है जिस तरह मैं डॉक्यूमेंट्री में फिक्र हुआ एक रैपिड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की हुई है दुनिया भर की तरह क्योंकि पाकिस्तान में शायद ज़्यादा शिद्दत से और तेज़ी से हुई है ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन जो कि जो ना सिर्फ शहरों की मूवमेंट है हो सकी बल्कि गुरबत की मूवमेंट है हो सकी तो ना पाकिस्तान की इंक्रीजिंगली पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो शहरों के अंदर बसती है और इस साथ साथ हमने देखा है कि खासकर पिछले दो दिनों में जो ज़मीन की कीमतें हमारे शहरों में वो बहुत शिद्दत से बढ़ गई और वो दुनिया में जो लैंड प्राइसेस की जो इंक्रीज़ है उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी तो तकरीबन पिछले पाँच साल में आप जाके देख सकते हैं ज़मीन की प्रॉपर्टी इंडेक्स के जरिए कि हाउसिंग प्राइसेस में पाकिस्तान में 134% बढ़ी है और जो प्लॉट प्राइसेस हैं वो 150% से ज़्यादा बढ़ी हैं और जो अगर आप हाउसिंग प्राइस में इंटरप्रेशन देखें पाकिस्तान में तो वो 20-1 है ग्लोबल एवरेज में हमें जनरली फाइन 12-1 लेकिन हमारा इंटर वन ग्रेविटी इनकम है 15% तो इसकी बस एक दो पहलुओं में मैं जाकर जाना कभी एक तो पहला पहलू है जो हमारी जो ज़मीन का कंट्रोल है हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास और पाकिस्तान के अंदर जो एक कंट्रोल है रियासत का वो बहुत ज़्यादा है देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ लैंड और स्टेट लैंड खासकर शहरों में भी और उसको इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है एक तो वजह है कि बेसिकली जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसकी वजह से हाउसिंग सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसके ताल्लुक हमारे आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जो कि बिल्डिंग को डिस्करेज करते हैं दैट मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड जिस तरह एरिया रेशियोज का जो सवाल है कि यहाँ पे लाहौर में अमेरिका में काफ़ी ऐसे तक 1-1.5 रेशियो था कि 1.5 से ज़्यादा आपका स्टोर एरिया नहीं हो सकता यानी आप बस एक या दो मंजिला इमारतें बना सकते हैं जबकि और ममालिक के अंदर जो बड़े शहर हैं बैंकॉक जैसे वहाँ स्टोर एरिया रेशियो 1-15 के करीब होता है
which encourages identification and vertical growth. दूसरा हमने यहाँ पे नए हाउसेज के लिए मुख्तलिफ कंडीशन सेट की होती हैं कि आपने अमेनिटीज पहले होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले जानने की जरूरत है, उससे पहले आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। मिनिमम साइज बहुत अच्छे तक और शायद अब ज़्यादा शहर में कभी भी कोई 160 के नाल आपका मिनिमम साइज का न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट होता है, जबकि इससे कम में भी इजाज़त होनी चाहिए ताकि छोटे बिल्डर डेवलपर बना सकें। इस तरह की और मुख्य जो दोनों लिमिटेशन है उनकी वजह से हाउसिंग सप्लाई है वो वैसे ही इनलास्टिक होती है, लेकिन हमने उसको और इनलास्टिक किया हुआ है जिसकी वजह से शहरियों की बुनियादी रिहाइश की जरूरियात जो है मार्केट पूरी नहीं करेगी। और इससे होता क्या है क्योंकि हम आजकल जो कच्चे वालों की ग्रोथ की बात करते हैं तकरीबन हमारी शहरी आबादी का 50% के करीब हिस्सा रहता है, उसकी एक मशहूर ग्रोथ में नजर आती है और वो ये सिर्फ कच्चे वालों की ग्रोथ नहीं है, जो इनफॉर्मल हाउसिंग जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा सेक्टर है बन गया। कुछ साल पहले सिटी ने लिस्ट शायद की ऑफ इनलीगल हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर, जिसमें 100 से ज़्यादा स्कीम्स का उनका जिक्र था जिसके अंदर लाखों के लोग रहते थे, उस सब उन्होंने उनको इनलीगल का होता क्योंकि उन्होंने बगैर अप्रूवल के बनाई थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो वाली स्कीम जो है आज तक से रेगुलर होती रहती है, जैसे प्रिंसिपल बनी जा रहा है वो भी एक इनलीगली एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनाई गई, लेकिन अब जो है इसलिए अपनी जोनिंग अपनी रेगुलेशन को बिल्डिंग लॉज को अपडेट कर रहे हैं मनी गाल को रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो शायद ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन वही चीज़ वो कच्चे बातों के ऊपर उनको अपडेट नहीं करते, उनको रेगुलराइज नहीं करते। इवन वहाँ पे रिहायशी किस तरह है यहाँ पे लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोग और एक कोई कोई अगर स्कीम बनाए जिसके अंदर लोग बाइंग करें तो उसके लिए भी देर इज़ अ विलिंगनेस टू पे, लेकिन एक इंफॉर्मल मार्केट जो कच्ची वाली में होती है उससे इसलिए कि लोअर ब्यूरोक्रेसी जो है पैसे भी कमाती है, वहाँ से लाखों और महाना हिसाब से भत्ता भी जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से उसको उस लिंगो में रखने का उनका अपना मफाद भी है। तो एक तो ये पहलू है उनकी जो आउटडेट जो हमारी जो है वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हैं हमारे शहरों की जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने हाउसिंग सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू मेरे नज़दीक वो है जो एक लैंड मॉडिफिकेशन का सिलसिला है जो दुनिया भर की वो है, पाकिस्तान में इसको हम स्प्रॉल कह सकते हैं, सबर्बनाइजेशन कह सकते हैं, और ये जो है पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा हुए हैं। लाहौर में भी अगर आप देखते हैं मुजफ्फरबाद में फैलता जा रहा है, इस्लामाबाद में फैलता जा रहा है, इसका एक ग्लोबल प्रोसेस से भी ताल्लुक है जो फाइनेंशलाइजेशन के लिए इसकी जो लैंड को बुझाए इन्वेस्टमेंट की नीड्स के हिसाब से उसकी वैल्यू को वैल्यू किया जा रहा है, और पाकिस्तान में ये जो ड्राइव कर रहे हैं इस प्रोसेस को वो एक इस तरह के हम टॉपिक पे बात करें जरूर की बात की जो डी एच ए और बैरियर टाउन जैसे जो स्कीम्स हैं जिन्होंने जो हमारे शहर को फैला रहे हैं और ज़्यादा शिद्दत से, और डी एच लाहौर शायद अब इंडिया को टच करने लग रहे हैं, डी एच कराची का रिपोर्ट है कि अब जानकरों के लिए लाइन पर। तो जिस टू एंड आई थिंक अगर हमें इस मामला पर जो जिस 20 ईयर का होगा ना मेरे तो आई थिंक हमें एक नया अर्बन रिफॉर्म जनरल बात करनी होगी। सबसे पहले आई थिंक सबसे लोग हैं एक छूटे उसमें जिसके बात करें वी नीड टू अपडेट आर आउटडेटेड जोनिंग रेगुलेशंस टू मेक इट ईजियर टू बिल्ड ताकि हम कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज करें, और कंस्ट्रक्शन किस तरह की डेंस वर्टिकल एंड मिक्सड यूज कंस्ट्रक्शन ताकि हमें शहर को फैलाना होगा। दूसरा हमें लैंड होल्डिंग को डिसइंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, जो बड़ी सबर्बन स्कीम्स के अंदर ढेर सारे प्लॉट्स ले रहे हैं और उनसे कुछ स्पेकुलेट कर लेते हैं, लेकिन डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं इंकरेज पीपल टू बिल्ड। एंड लास्टली आई थिंक बहुत अहम है कि हम बात करें अर्बन प्लानिंग का जो प्रोसेस है दैट मीज टू बी डेमोक्रेटाइज, इट कैन नॉट कंटिन्यू टू बी इन द हैंड्स ऑफ अ हैंडफुल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु आर डिसाइडिंग थिंग्स फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड आर एक्सक्लूडिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीज इन द प्रोसेस। Urban planning should be in the hands of accountable, autonomous, and well-resourced local governments, जिसके अंदर शहरों की शमूलियत हो और वो फैसला करें कि हमारी शहरों की शक्ल क्या होनी चाहिए और वो ही हमारे शहरों का विजन आने के लिए करें। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स। थैंक यू अमर, ये भी अपॉर्चुनिटी है आप इन लोगों को अब एक और चीज आपको बताएं कि ये चीज ठीक है, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं हमारे यहाँ डिबेट ये कि हम इन एरियाज पर गौर ही नहीं करते जैसे कि हम क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
40% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीब जो पॉपुलेशन है, बल्कि मैं कहता लोअर मिडिल क्लास ऐड करते हैं, दस में तो 30% 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज आउट ऑफ एनी एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनको सारा वक्त स्टेट से लड़ना पड़ता है, सारा वक्त स्टेट से लड़ना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू गॉट इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क। जो है पंजाब के साथ है, यूपी के साथ आ रहा है आजकल, और ये काफ़ी अच्छे अगेन से अर्बन एरियाज में काम करते हैं। इन्होंने एक लॉ भी तैयार किया फॉर स्ट्रीट वेंडिंग। जरा प्लीज यहाँ साहब आप बता दीजिए जल्दी से। आज हमने जो बात उसके चार चलिए उसके चार हिस्से, पहले तो बात करने की हमारी अप्रोच क्या है, दूसरा कि स्ट्रीट वेंडिंग को आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तीसरा एक्सक्लूजन फैक्टर क्या है स्ट्रीट वेंडर्स का, और थर्ड हम जो एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, जो ये लॉ की बात कर रहे हैं, ये क्या है। देखिए स्ट्रीट वेंडर एक अर्बन फिनोमेना है, न्यूयॉर्क से लेकर जकार्ता तक, लंदन से लेकर लागोस तक, हर जगह आपको स्ट्रीट वेंडर्स मिल रही है। आप जो मर्जी कोशिश करें कि वो आप निकाल सकते हैं जिंदगी से अर्बन उसमें से। म्युनिसिपैलिटीज इनको मैनेज करने के लिए सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान भी म्युनिसिपैलिटीज कह रहे हैं। हमारी जो अप्रोच है वो है लोकल इकोनॉमिक डेवलपर अप्रोच। हम समझते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें इसको एज अ इंटेग्रल पार्ट समझना चाहिए अर्बन इकोनॉमी का, और उन्हें उसी तरह उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। अब आप आते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग है क्या। स्ट्रीट वेंडिंग बुनियादी तौर पर स्ट्रीट इकॉनमी का हिस्सा है। स्ट्रीट इकॉनमी आपके इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, सबसेट कहते हैं उसको। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर वो है जो लीगली परमिसिबल गुड्स और सर्विसेज आपको देते हैं, लेकिन वो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, वो डायरेक्ट टैक्स नेट में नहीं होते, तो इसकी वजह से उनकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। पाकिस्तान में एक अंदाजे के हिसाब से जो मुख्तलिफ स्ट्रेटीज हैं, तकरीबन 50% है आपकी फॉर्मल इकॉनमी का इनफॉर्मल इकॉनमी, ये हो जाता है 150 अरब डॉलर। जाहिर बात है स्ट्रीट वेंडिंग इतना बड़ा नहीं, लेकिन इनकी ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़्यादा है इनकी, और इनका जो रोल है वो आपकी पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर और सर्विसेज प्रोविजन में बहुत अच्छा है। अब इसमें ये कहते हैं कि इनका साइज कितना है पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास कोई ऐसा क्रेडिटर सर्वे नहीं, कोई डेटा नहीं है स्ट्रीट वेंडर्स में। एक सर्वे हुआ है जो BIS में है जिसका जिक्र हुआ, उसमें तकरीबन 54 लाख हैं बेनिफिशरीज। 54 लाख बेनिफिशरीज में जो मैंने उनका क्वेश्चन है देखा, उसमें उनका ट्रेड भी शामिल होता है, लेकिन वो डेटा BIS ने शेयर नहीं करवा पब्लिक में। हम कोशिश करें वो डेटा लेने से तो हमें एस्टिमेशन हो जाए। रफली एस्टिमेट अगर हम कर लेते हैं तो इंटरनेशनल तकरीबन 1.5 से 2% होती है अर्बन पॉपुलेशन का स्ट्रीट वेंडर्स। तो अगर पाकिस्तान की जो लास्ट सेंसस में है पॉपुलेशन अर्बन वो 7 करोड़ 55 लाख है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब ये 15 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, ये अगर आप BIS का देखें कि वो जो 54 लाख है उसका तकरीबन 28% हम हैं। अगर हम 6 बंदे लगाएं, हर स्ट्रीट वेंडर 6 बंदों को सपोर्ट कर रहा है, तो एवरेज हाउस होल्ड है साइज, तो 90 लाख लोग ये हो जाते हैं। तो 90 लाख लोग तकरीबन 12% बनते हैं आपके अर्बन पॉपुलेशन का। अब ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ईरान में 1 करोड़ नौकरियाँ करती हैं, मैं 15 लाख को कहता हूँ आप इसको फोकस कीजिए। अगर आप 10% की बात करते हैं इनकी नौकरियों में या इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, इसका मतलब है कि साल का 1.5 लाख कर रहे हैं आप, तकरीबन 5 साल के अंदर 8 लाख नौकरियाँ कर लेंगे, तो 8% नौकरियाँ तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि एक्सक्लूजन फैक्टर क्या है कि व्हाई दे आर एक्सक्लूडेड। पहली बात है कोई सुनवाई नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, ये बेचारे नहीं जा नहीं सकते, ठीक है, एडवोकेसी नहीं कर सकते, इनके पास कोई बड़ी बड़ी एसोसिएशन नहीं है, सरकार इनको नफरत की नज़र से देखते हैं, जजेस इनको मकौड़े समझते हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो इन बेचारों की कोई हैसियत नहीं, ये खौफ की ज़िंदगी गुजारते हैं, चीज़ें भी उठा के लेके चले जाते हैं, मतलब बल्कि वाले नुकसान भी अपना नुकसान भी बेचारे पूरा नहीं कर सकते। आप ये देखिए जो पार्ट आता है उसका, वो 500 रुपये का होता है उनके लिए, तो वो भी अजाब हो जाता है 500 रुपये। इस्लामाबाद में रियासत मदीना में इस वक्त की पुलिस वाले सब्जी मंडी के बाहर 200 रुपये डेली बेसिस पे ले रहे हैं इनसे, तो 6000 रुपये तो ये बंदा उस जगह पे खड़े होने के दे रहा है, उसके अलावा बलिया से जूते और गालियाँ लेता खा रहा है। जब ये सारी चीज़ें, तो फिर हमने सोचा कि हम इसको किस तरह प्रोग्रेस करेंगे, हाउ टू प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट। तो
इंक्लूजन के लिए हमने स्टार्ट किया कि इसमें जो सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा है वो लीगल प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क है आपका उसके अंदर ये बेचारे प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके अंदर इनको एज अ ह्यूमन नहीं देखा जा रहा। तो व्हाट वी स्टार्टेड वर्किंग आउट कि हमने कहा कि कैसे इंगेजमेंट करें, तो हमने एक लॉ फर्म के साथ थी, हमने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ थी, हमने 9 महीने का प्रोजेक्ट किया। वी वेंट टू 5 सिटीज, फेडरल कैपिटल और 4 प्रोविंशियल कैपिटल। हमने वहाँ स्ट्रीट वेंडर असेंबलियाँ की, सब्जी मंडी पे गए, पूरी जगहों पे गए, टेंट लगाए, 150-200 बंदा बुलाया, उनकी बातें सुनी, उनके दो पहले सुने, उसको रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद फिर हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए उन्हीं शहरों में, 10-10-15-20-20 लोगों के बिठा के उन्हीं लोगों के साथ, ताकि और उसके नतीजे के अंदर हमने एक स्ट्रीट वेंडर बिल है जो हमने तैयार किया, ठीक है जी। ये बुनियादी तौर पर हमारा एक बेस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी इसके ऊपर बनाई, शॉर्ट 10 मिनट की, जो कि आप यूट्यूब चैनल है पाइट का, उसके ऊपर देख सकते हैं। इस स्ट्रीट वेंडर की जो बेसिक बुनियादी तर्क से वो ये है कि आपने इन लोगों को सिविक इंगेजमेंट इनके साथ करना, इनको पार्ट बनाना है, ये बेचारे उस सारे डिसीजन मेकिंग से बाहर हैं जो इनको अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें हमने जो सजेस्ट किया है वो ये किया है कि भैया आप टाउन वेंडिंग कमेटीज बना दें, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स को डाल दें, उसमें म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को डाल दें, उसमें सिविल सोसाइटी से लोगों को डाल दें, बैठ के डिसाइड कीजिए कि इनको वोटिंग कैपेसिटी कितनी, उसकी स्कीम बनाइए, कितने लोग अलाउ हो सकते हैं अगर उस जगह पर, उस हिसाब से उनको लाइसेंस वगैरह दीजिए, उस हिसाब से उनके साथ काम कीजिए। टिल दैट टाइम आप इनको इंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, ये मसले हल नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग माइग्रेंट्स आते हैं रूरल एरियाज में, और ये इसका काम आप हल नहीं कर सकेंगे कि अगर आप ये समझते हैं कि आप आज इनको हटाते हैं तो दूसरे दिन दोबारा आ जाते हैं। पूरा एक करप्शन का दौर दौरा है जो उसके अंदर उन लोगों को एडजस्ट करना होता है। ये जो बिल है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं अंडर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हमने ये स्टार्ट किया है फेडरल गवर्नमेंट से। हम एहसास वालों से भी, डॉक्टर सानिया वगैरह से भी उससे बात करें तो हम इस पर फेडरल लेवल पर काम कर रहे हैं। लाहौर में या बाकी सूबों के अंदर लेजिस्लेशन सूबाई लेवल पर होती है, तो आप अगर जैसे आप लाहौर आए गए हैं तो यहाँ पंजाब में जो लोग काम करना चाहते हैं लाहौर के अंदर, वो दे आर मोस्ट वेलकम, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जितने भी हमारे साथ ने वर्किंग की है उनके साथ शेयर करेंगे ताकि पंजाब के अंदर इसको इनिशिएट किया जाए। ये पहला स्टेप है हमारा, और हमें समय है कि बहुत लंबी चल रही है, लेकिन वो कहते हैं जब एक एक करके आता है फिर काफिला बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगला सवाल आपसे है कॉम्प्लेक्स। हमारी इकोनॉमिक की जो सारी सोच है वो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट और डेट दूसरे कमरे में हो रहा है। रोज शाम को आपके टीवी पे आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया, डेट इतना हो गया। जो आम आदमी की अपॉर्चुनिटी है वी डोंट थिंक अबाउट इट। आई रिमेंबर व्हेन इन 15 इयर्स अगो व्हेन आई मेंशन दिस इन अ कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन, तो ऑल द नोटिस फॉर द इन्वेस्टर्स सेड नो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। माय क्वेश्चन वाज वेयर आर द पुअर, where the poor live in the cities? Most people couldn't answer that question, and I still say that. Where do you think the poor live in our cities? Can you raise your hand and tell me anybody can answer that? Ready? Where do the poor live in Lahore? Defence Housing Society के जैसे जो जमीन खाली है उसमें वो टेंट लगा के रहते हैं, कच्ची आबादी, कच्ची आबादी में रहते हैं। But there's another place for the poor. Okay. Yes, they live in slums. No, you said the poor. Yes, they live in our seven quarters. So the question is, this is a deep subject and you've just got a glimpse of it. You can't finish it in 1 hour. You've got a glimpse of urban zoning, how we make sure that we've got a sprawl in our country. Lahore is stretching now from Chashtabad to where? Jalko to something, and it is a car city. Mm. How your car excludes the poor, how your golf course excludes the poor, how your shopping mall is good, because there's so many ways, sorry, shopping mall included, you don't understand. There are so many ways we have to think about it. Sadly, the Pakistani social scientists have not been able to research or understand the subject. And what we are trying to do with the PhD is to start some research on the subject. It's a very complex subject. We'll go much further in it. I think it needs to be explored much more deeply. But right now, I want to bring the audience in to ask questions. So please go ahead. Can I ask the question? Your question. I want to ask a question from Dr. Nasir Javed.
and it might look like I'm putting you on the spot. That's not the intent. This is a very serious and a curious question. You have raised आपने तीन indicators कहे हैं land and transportation and water. और ये जो transportation में underpass overpass बन रहे थे उस वक्त तो urban unit was in operation. And our understanding as citizens was that urban unit weighs in on what the urban policy, transportation policy is going to be. So I'm a little surprised to see your surprise about this phenomenon. That's basically, it's also a comment on the question board. मेरा नाम साइमा है, I'm a PhD scholar from Japan Tokyo University, and I'm working in general education. So basically, when you were talking about the bilaterals, when you were talking about that we are working on the slum areas in Islamabad, how exactly state is not taking care. My point over here is because I'm working in the post-colonial paradigm. That when you talk about state, it's looking as a state versus public. But this is how things are globally. This is how things are working even in USA. This is how we can see that even in New York, we can see so many slums. So this is what James Corden seemed like a state. He mentions that state has to work like this and it has to make the society linear so that it can access. तो ये तो state का structure है. अब आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते तो globally work कर रहे हैं. You cannot. Question जल्दी से कर. इसमें मेरा सिर्फ ये बात है कि आप जब state की भी बात करते हैं, you just mentioned about bureaucracy. You excluded the public, middle class and lower middle class, जो कि maintain करना चाह रहे हैं status को. क्योंकि मैंने जब focus group discussions में 150 के करीब interviews किए, तो वो actually they wanted to have this hierarchy. दूसरी बात ये कि आप लोगों ने पॉलिटिशियंस को निकाल दिया है जो पॉलिटिशियंस सीडीए के दो चेयरपर्सन चेंज हो चुके हुए हैं बनीगाला के इशू के ऊपर कुछ नहीं रेगुलराइज हो रही थी तो उनको डिमोलिश कर दिया गया कुछ क्योंकि दिया दिल्ली तो फिर उनको नहीं किया जा रहा ब्यूरोक्रेसी सो इट इज अ पार्ट. तीसरा आप लोगों ने जो इग्नोर किया वो पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को कर दिया. ये जो स्लम की हम बात करें ये तो हमेशा से जब कॉलोनाइज थे तब भी हमेशा एक एलीट क्लास और एक स्लम एरिया बना करते थे. तो हाउ डू यू एड्रेस दिस बिकॉज़ इफ यू टॉक अबाउट दिस तो फिर तो हम ठीक है फाउंडेशन पे पॉइंट स्टेट जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर स्टार्टिंग दिस इनफॉर्मल सेक्टर रिसर्च. A very strong policy document is needed. बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ पे काम करती है क्योंकि मैं पहली यूनिवर्सिटी है जो इस पे काम कर रही है. I want to congratulate you and your team to start this process. Very much due, long overdue. UN Habitat भी इसमें बड़ा काम में आ सकता है. अर्बन प्लानिंग का तो मुझे ज़्यादा पता है कि UN Habitat का भी एक है कि किस तरह से कच्ची आबादी इस पर वो काम करना चाहते हैं. इस पर पॉलिसी रिसर्च बहुत कम तक हुई है. ये अगर सारे कंबाइन करके रिसर्च हो जाए एंड इन्वॉल्व अदर यूनिवर्सिटीज़ जो रीजन में आप लेना चाहते हैं. मतलब जो आपने प्रोविंस की बात की तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ आजकल मैं काम कर रहा हूँ वी कैन वर्क टुगेदर टू कोलोबरेट जो पंजाब का जो स्टडी है एरिया हम उसको कवर कर सकते हैं. तो ये रिसर्च होनी चाहिए और हाई लेवल पर अच्छी तरह से साइंटिफिक अंदाज होना चाहिए. डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी बहुत अच्छी है और आपके जो आर्ग्यूमेंट है वेरी वेल टेकन. और अर्बन यूनिट तो इस पर काफ़ी काम कर चुका है, उनका डेटा भी मौजूद है. लेकिन आई थिंक नाउ वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड द ब्यूरोक्रेसी, लाइक सोशल सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को ला कर आगे लेकर चलना चाहिए. ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. आई रियली एनकरेज एंड सपोर्ट यू टू ऑफर माय ओन असिस्टेंस टू दिस. तो वो जहाँ वो लैंड की मात्रा सेम हुई है जो 800 साल से हमारे 800 साल से रखा नाम आया है हमें उस प्रोसेस के हिसाब से बनाया गया. लेकिन मेरे अलावा भी तो नहरें निकाली है वहाँ 40% लैंड एक खास पार्टी को दी गई है और जो के पहलू में नहर थे और उसी पार्टी के लिए वहाँ एक बड़ी स्कीम है उसका नाम BHA है वहाँ भी वहाँ बनाया जा रहा है. और उस उधर के जो वो प्रोसेस उसको देने का फ्यूचर है वो 18वीं स्केल में रिटायर्ड हुए तो घर खरीद भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते. लेकिन वो अभी प्री मिच्योर ही रिटायरमेंट लेके वहाँ घर भी ले लेते हैं और बड़ा प्रोसेस है उस पर कुछ नहीं करते कोई बात भी नहीं करता उनके हवाले से. ठीक जी
इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ये है कि किस तरीके से लोअर क्लास को एक्सप्लाइटेशन है, रिंग रोड एक बनाया जाता है, ठीक है। रिंग रोड जिस इलाके से गुजरता है, अब उस इलाके की जो आबादी है उस लिविंग स्टैंडर्ड को अफोर्ड नहीं करते। क्या होता है कि जब रिंग रोड गुजरता है तो वहाँ की ज़मीन और सब चीज़ों के रेट अप हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तो एक मेजोरिटी क्लास लोअर क्लास है ना, तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी ज़मीनें वहाँ से छोड़ के या तो ऐसे कोच या ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है कि जहाँ पर वो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड जिसको अफोर्ड कर सकते हैं उसको जाना। अब ये ट्रैफिक का सिस्टम तो बनाया गया है, लेकिन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि अगर वो लोग हैं जो जिनको इस कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए था अर्बनाइजेशन का, तो वो वहाँ से छोड़ के चले गए। अब इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो कि डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट वो लोग भी आए कि जो जिनका हिस्सा बनता है उसमें। जी सबसे पहले तो मैं उर्दू में बात करूँगा, उर्दू हमारी कौमी जबान है और मुझे फख्र है उर्दू बोलने पर। और मेरा सवाल ये है कि ये जो दो दिन का जो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है, सेशंस है, इसका नाम है थिंक फेस्ट। तो यहाँ पर तो सोचने की आज़ादी है, लेकिन यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मुस्करा भी रहे, तो यूनिवर्सिटी में सोचने की इजाज़त कब दी जाएगी नौजवानों को? अगर वो सोचना सिखाया नहीं जाता कि कितना बड़ा डायलमा है पाकिस्तान का कि सोचना सिखाया ही नहीं जाता। आप सिर्फ मार्क्स लें, रट्टा लें, असाइनमेंट्स जमा करें, अपना रिसर्च वर्क करें, थीसिस को बस मार्क्स सिस्टम है, तो सोचने की इजाज़त कब दी जाएगी? जो आदमी में ऐसी बात करते हैं यूनिवर्सिटी में उनको एंटी स्टेट और इस तरह के उन पर वो इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उनकी कार्रवाई की जाती है। थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जी। तो मेरा नाम राजा रफ़ी है, आई एम अ पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट और मैं एजुकेशन सेक्टर का काम कर रहा हूँ। क्विकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वो टॉकिंग अबाउट कि किस तरह हम जो है पुअर को, वैसे भाई काफ़ी जनरलाइज टर्म है बट आई डोंट वांट टू यूज इट, बट लेकिन द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, किस तरह उनको हम सोशल फैब्रिक में और वैसे भी डिबेट कैसा रूप में दूर ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम उस पर बात करते हैं देर तक टेंडेंसी होती है हमारी कि हम ग्रैंड नैरेटिव लेके आते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये हो रहा है, क्लास बदल हो रही है, सब ठीक करना है। मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द स्कोप कि हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ग्रैंड नैरेटिव्स कि हम ये चेंज करें, ये स्ट्रक्चर को ओवरहॉल करें, लुक एट स्टडीज क्या असल में इशूज हैं जो थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करने से, छोटी नजेस करने से क्या उनकी जिंदगी बेहतर की जा सकती है, उसका क्या स्कोप है? देखिए जैसे मल्टी फेसेट वो है प्रॉब्लम गुरबत का, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूट एक सेगमेंट में, मैं अपनी ज़्यादा काम कर रहा हूँ एक सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम है। ऑब्वियसली इसे काफ़ी सारे पड़तू हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप ये शुरू करिए तो आपने कहीं से तो शुरू करना है। अगर आप इसको शुरू करते हैं जिस तरह जर्नी अपनी चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे रास्ते और निकलेंगे, बहुत सारे इन स्ट्रीट वेंडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत सारे इशू का मतलब तरीके निकालेंगे। इनको अगर आप उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल में ही रखते हैं तो आप इसमें CSR के थ्रू अपनी फूड कंपनीज को इंगेज कर लेते हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, जो कि दुनिया भर के अंदर हुआ है। तो देयर आर न्यूमरस मॉडल्स व्हिच वी वांट टू फॉलो, लेकिन ये हमारी शुरुआत है। It was and it is obviously it's a think tank kind. I'll say from the rumor they said that it was a bad hotel and it was a bad hotel. That's the thing. Just to address the fees, I think all of the people who were sitting there and they worked specifically. So I do public interest litigation. So usse main capitalism karke to nahi shayad khatam karwa sakta. Lekin main ye cases to housing ke aur मालूम के और मजदूरों के वो मैं करता हूँ, जैसे इनके साथ भी हाउसिंग पे हमने किया और एक पार्टी के एक लैंड रिफॉर्म्स रेपुटेशन की हुई है, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स करवाना चाहते हैं। लेकिन जनरली आई थिंक ऑल ऑफ अस डिस्पाइट द फैक्ट के सम ऑफ अस सब्सक्राइब टू लार्जर ग्रैंड नैरेटिव,
specific works में हैं, वो जो specific issues पे हैं, आप फिजा में जाके लाल सलाम की सिर्फ बातें तो नहीं सही होती हैं। सही है। हाँ जी, मैं बस देखिए आप इस बात से आपने पब्लिक के रोल पर बात की कि सिर्फ रियासत का निगरानी है, पब्लिक के इतना मुलविस होती है जो न्यायालय उनका भी इसके अंदर आए हैं कि एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वही लोग किसी बात बनती है। मेरे ख्याल में जो स्टेट और लेकिन वो उसी कैसे रहते हैं निज़ाम देते रहे हैं जहाँ पर जो रियासतों के फेलियर्स हैं जो मार्केट के फेलियर्स हैं उनको पूरा करने के लिए डरने एंटर ट्रांजेक्शन जब इलेक्शन हुए थे 2018 के तो काफ़ी आबादियों के अंदर एक मौका होता है कि इलेक्शन के दौरान आप वो बुनियादी चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं वो सियासतदानों के साथ एक ट्रांजेक्शनली आपको हासिल कर सकें। वैसे हम एक साल बाद में आबादी को जानते हैं F6 में जहाँ पर पूरा का पूरा वोट PTI को गया वहाँ की जो PTI की वहाँ पर लोकल लीडर थी अटल साहब उन्होंने वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी आबादी में तो उन्होंने अपने पैसों से एक ट्रांसफॉर्मर लगा के दिया कि जिससे कोई 500 घरों के अंदर बिजली जाएगी वो 70-80 लाख तक। तो इसमें सियासतदानों को भी किरदार याद थे किस तरह से उन्हें वोट बैंक को जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं होती उनको इलेक्शन के मौकों के ऊपर अपनी दौलत का फ़ायदा उठा के उन रियासती और मार्केट के तरीके को पूरा करने के जरिए उन्हें वोट हासिल सकते। तो और दूसरा जो आपने बात की हाँ वही मैं सामने बात कर सकते हुए कि यहाँ पर उनको ब्रांड एनिमेशन की बात करेंगे हमको जोनिंग रेगुलेशन को अपने जिंदगी की बात करेंगे और लैंड होल्डिंग के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट होना और अर्बन प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर आम लोगों की शमूलियत इस तरह बताया मैंने कमेटीज के जरिए तो हम तो बुनियादी चीज़ पर बात कर रहे हैं लैंड होल्डिंग नहीं आते हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गॉट इट सॉर्ट ऑफ इंक्लिंग ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स दिस प्रोसेस इज। I must point out that it is our intellectual failure that we have not been able to identify this issue. The issue of urban growth, the issue of urban inclusion, the issue of how the poor can become a resource for further growth is something we should discuss. Unfortunately, as I said, हम सारे fiscal deficit और taxation के factor इधर कोई research नहीं कर रहा। आपने बात की randomized control trials की, देखिए randomized control trials हम जगह नहीं कर सकते। एविडेंस और भी होता है, इन्होंने एविडेंस दिया आपको, इन्होंने एविडेंस दिया, बहुत एविडेंस है, आरसी की एविडेंस नहीं है, एविडेंस हर चीज़ है, आपके ऑब्जर्वेशन की एविडेंस है। द क्वेश्चन इज कैन वी एक्चुअली बिगिन टू डिस्कस द रियल एविडेंस और आर वी गोइंग टू क्रिएट लिव इन द नैरेटिव ऑफ द डोनर। अनफॉर्चुनेटली वी लिविंग इन द नैरेटिव ऑफ द डोनर, वी हैव नॉट अंडरस्टूड आवर ओन सोसाइटी, वी प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड आवर ओन सोसाइटी बट वी डू, वी हैव नेवर अंडरस्टूड आवर इंक्लूजन टेक्स प्लेस, वी हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ प्रॉब्लम टेक्स प्लेस and how the opportunity of the poor are. If I think about it, the 40% of people that we are excluding the poor and the 30% middle class that we are excluding, that 70% is a powerhouse for growth. If they are included, our growth could go up by at least 3 or 4 percentage points, which means that we'll beat India in our growth, provided we unleash their potential. But if we keep them locked up in our servant quarters, if we keep them out of street commerce, if we call them encroachers, if we don't make them a part of the economy and just give them a GISP, 1,000 rupee, it's a great life for us. I enjoy it, I've got cheap service. I've got a lovely car which drives around freely on these, you know, freeways. Underpasses, overpasses. Flyovers. And my services are very cheap. But that's the society that you young people have to make up your mind on. We, the elders, have given you this exclusionary society. And thank you very much. We've had a great life. The question is, will you rise to the occasion and make reform or not? Thank you. Everything has to be done on a walk.